आज मैं सरजमीने पाकिस्तान के उस कोने का आईनादार बन रहा हूँ जो कबले मसीह में आबाद हुआ और मुख्तलिफ कौमों के अरूजो जवाल का कलमदान बना। इस शहर को मदीनातुल औलिया के नाम से भी याद किया जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सरजमीने मुल्तान पर शाह रुकन आलम की दरगाह पर विजिट करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश बहुत पसंद आएगी। शाह रुकन आलम 26 नवंबर 1251 में इसी सरजमीने मुल्तान में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम शेख सदरुद्दीन था। आप शेख बहाउद्दीन जकरिया के पोते और जानशीन थे। इन्हें इनकी वसीयत के मुताबिक अपने दादा के मज़ार में दफन किया गया। अलबत्ता कुछ अरसे बाद इनकी कब्र कुशाई करके इनकी मैयत को इस जगह पर मुंतकिल कर दिया गया और ये आलीशान मज़ार उस वक्त तामीर हो चुका था। इस मज़ार को बनाने की बुनियाद 1320 में रखी गई और ये मज़ार 1324 में पाया तकमील तक पहुँचा। ये मज़ार मुगलिया दौर से पहले का एक खूबसूरत तर्ज तामीर है। इस मज़ार की दीवारों पर किया गया लकड़ी और छोटी ईंटों का काम नहायत ही मुनफरिद और दीदाजेब है और इन्हीं दीवारों पर नीली टाइलों से जो काशीकारी की गई है ये एक अलहदा ही इस मज़ार पर समा बांध रही है। और इसका ज़मीन से बुलंद होता हुआ गेट इस मज़ार की शान को बढ़ाता हुआ महसूस होता है। अंदरूने और बैरूने मुल्क से आए ज़ाहिरीन का हजूम 24 घंटे यहाँ देखा जा सकता है। ये मज़ार मुल्तान के लिए एक आइकॉन का मकाम रखता है। इस मज़ार पर होने वाली खुराफात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मज़ार में दाखिल हों तो दरमियान में आपकी कब्र मुबारक की ज़ियारत की जा सकती है और मज़ार के अंदर नज़र आने वाली दूसरी कब्रें आपके अहलो अयाल से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्हें भी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपके मज़ार में दफन किया गया। आपका मज़ार अंदर से बहुत ही सादा और पुरसकून है और मज़ार के अंदर भी लकड़ी का काम और छोटी ईंटों का काम नहायत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। इस मज़ार के हाथे में बहुत सारी कब्रें मौजूद थी जिनको मिसमार करके फर्श के बराबर कर दिया गया। अलबत्ता सैन में लगी हुई टैलों पर कब्रों के आसार देखे और पढ़े जा सकते हैं। सैन में मौजूद इन कब्रों की तादाद 75 के करीब है। आप अल्लाह के ऐसे वली थे। मुल्तान और आसपास के आने वाले ज़ाहिरीन को मालो असबाब से नवाजा करते थे और आपने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ की हुई थी। आपके हाथ पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने बैत करके दारे इस्लाम में दाखिल हुए और आप 3 जनवरी 1335 को अपने खालिक हकीकी से जान मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुल्तान के किसी एक नए मुकाम पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। तो पुराना है जैसा।